नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं, क्योंकि मेरी कई दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, आज मैं आया हूँ अर्जुन मलिक के यहाँ। अर्जुन मेरा स्टूडेंट भी रहा है और शहर के नामी गिरामी बिजनेस हाउसेज में से कहूँगा मैं, क्योंकि इसने जो ये आइडिया बिजनेस का लेकर के आया है अभी, और जिस तरीके से अपने फैमिली बिजनेस को इसने आगे बढ़ाया है, तो आज हम वो पूरी कहानी समझते हैं और अर्जुन के बिजनेस के बारे में और अर्जुन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं अर्जुन से। कैसे अर्जुन? बढ़िया सर, आप बताएं सर। थैंक यू सो मच, आपने पहले तो विजिट किया, बहुत टाइम बाद आपसे मिलना हुआ, सारी प्रोडक्ट्स आप देखने आए तो अच्छा लगा, आज आप शोरूम पर आए। आप लोग का कॉन्सेप्ट क्या है और हाँ आप किस तरीके के प्रोडक्ट्स अभी लेकर के आए हो? बिल्कुल सर, अभी बस यही था कि चीज़ें, क्योंकि आज की डेट में हम ये देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्किंग होती है, हाँ, हर कोई अपना अच्छे से अच्छा घर बनाना चाहता है, इन्वेस्टमेंट एक बार ही होती है, जितना बेस्ट से बेस्ट वो बनाना चाहे वो उसको उस तरीके से बनाता है, सही बात उसको है, बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट वो मार्केट में सर्च करता है। हाँ, अब भले ही वो चीज़ हमारे मार्केट में है नहीं है, वो उसको कहीं से भी ढूंढ कर लाएगा, पर वो लगाएगा कि मेरा घर अच्छा लगना चाहिए। तो हाँ, वही कंसेप्ट देखते हुए मैंने यहाँ पे काफ़ी ब्रांड्स एस्टेब्लिश करे हैं। इसके साथ साथ अभी यूपीवीसी डोर विंडोज या बाथरूम्स वगैरह हमने यूज़ करे हैं सारे सारे, तो हाँ उसमें हमारा पर्सपज यही था कि हम बेस्ट से बेस्ट आइटम हम दे सकें मार्केट को। ठीक है। मुझे आप बताइए कि आपका बिजनेस कितना पुराना है, कब आप लोगों ने स्टार्ट किया था, आपका आप बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आप लोग बिलोंग करते हैं, वो सारी बातें आप मुझे बताइए। बेसिकली सर, मेरे फादर ने बिजनेस सेटअप किया था ये 10 नवंबर 1992 में, जो ओके, फर्म अच्छा, का हमने नेम रखा था धर्मदेव टैंक एजेंसी। उसमें बेसिकली पहले फादर मेरे 11 साल एयरफोर्स में रह चुके हैं एज अ GTI, ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। अरे वाह, उसके बाद 11 साल वहाँ पे जॉब करने के बाद वो छोड़कर आ गए थे, कुछ हाँ फैमिली रीजंस हो गए थे, हाँ उसकी वजह से आके उन्होंने यहाँ पर एक सेटअप किया अपना, हाँ धर्मदेव टैंक एजेंसी हमारी फर्म उन्होंने स्टार्ट की यहाँ पे, जो हमने स्टार्ट की थी 10 नवंबर 1992 में। अच्छा, उसके बाद हमने 3 साल बाद एक यानी और, लगभग नियर उनतीस अबाउट 29-30 साल हो उनतीस गए तीस साल हैं। पुराना बिजनेस आपका ये, हाँ जी, ठीक है। उसके बाद एक मेरा ये फर्म है धर्मदेव टाइल्स एंड स्टोन कंपनी, ये फर्म हमने सेटअप की थी 10 नवंबर 1995 में, ठीक है, तो लगभग 3 साल का गैप इसमें रहा है, तो नियर अबाउट 27-28 ईयर्स इस फर्म को भी हो चुके हैं। और आप लोकेशन भी बताएं। लोकेशन सर साकेत कॉलोनी मुजफ्फरनगर में है ये, मेन रोड पर। बाकी हमारा बैकग्राउंड ये है कि हम यहीं से बिलोंग करते हैं, शामली के पास मेरा विलेज है हसनपुर डिसाट, वहाँ से हम अच्छा, बिलोंग करते हैं, जी, और तब से बस फैमिली सब आकर साकेत में यहाँ पर स्टेब्लिश है, यहीं पर अपना बिजनेस सेटअप किया है, यहीं से बस धीरे धीरे पब्लिक की सेवा करते आ रहे हैं, बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट अपने शहर को देते आ रहे हैं। आजकल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में लोगों का रुझान थोड़ा बढ़ता जा रहा है, लोग बिजनेसेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जॉब्स भी थोड़ा कम हो गई हैं, तो आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से एक बिजनेस को ग्रो करवाया जा सकता है? स्टार्टिंग में जैसे आपने अपने बिजनेस की बागडोर संभाली, आप दूसरी पीढ़ी अपने बिजनेस में हैं, तो आपने क्या चैलेंजेस फेस किए, किस तरीके से आपको लगता है कि बिजनेस आगे बढ़ाया जा सकता है? सर मेन चीज़ तो यह है कि पहले तो अपनी कैपेबिलिटीज को देखना हाँ कि आप कैपेबल, आप किस लेवल तक हो, आप किस लेवल तक वर्किंग कर सकते हो, उस हिसाब से आप अपना बिजनेस को सेटअप कीजिए। दूसरी चीज़ हमारा फाइनेंशियल चीज़ें हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है, वो चीज़ें अभी मैटर नहीं करती, वो आप लोन भी ले सकते हैं, आपको फ्रेंड्स भी हेल्प करेंगे, हर कोई हेल्प करता है, फाइनेंशियल नीड आज की डेट में हम नहीं मानते कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम इश्यू करता है। मेन चीज़ है कि आपका आइडियाज क्या है, आप किस लेवल पे अपने को ले जाना चाह रहे हो, आप कितना कैपेबल हो, कितना पोटेंशियल आप मार्केट में रखते हो, आपने मार्केट सर्वे किया है तो मार्केट में आप क्या नई चीज लोगों को देना चाह रहे हो, अवेलेबल हर चीज है, आप डिफरेंट क्या करोगे तो आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओ, तो आपको उसके लिए उसको वर्किंग करनी पड़ेगी, आपको इनोवेटिव आइडियाज अपने पास लाने पड़ेंगे, बेसिक जो डीप नॉलेज होती है वो आपको करनी पड़ेगी, तब आप एक बिजनेस को एक लेवल पर ले जा सकते हो। आपको टारगेट सेट करने हैं, आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए, जब तक वो चीजें क्लियर नहीं होगी आप किसी भी लेवल पर नहीं जा पाओगे। ठीक तो है, सबसे पहला परसेप्शन यही है कि हमें करना क्या है, कैसे करना है, किस टाइम कहाँ पर क्या करना है, ये प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा हम अर्जुन के शोरूम को आपको दिखाते हैं, किस किस तरह के प्रोडक्ट्स इन्होंने यहाँ रखे हुए हैं कस्टमर्स के लिए, क्या कुछ ये सेल कर रहे हैं, बिल्कुल और दिखाते हैं कि कितना अच्छा, बहुत ही सुंदर इन्होंने अपना शोरूम बनाया हुआ है। चलिए दिखाते हैं आपको, ये देखिए दोस्तों, कितना सुंदर इन्होंने शोरूम बनाया हुआ है।
अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स इनके पास हैं। फिनिस्टा के ये ऑथराइज्ड डीलर हैं। इसमें सर पहली चीज हमारे पास आती है एल्युमिनियम, जो हमारे 12 फीट के स्लाइडर होते हैं, कम्प्लीटली हमारे साउंड प्रूफ इंसुलेशन देता है, ना इसमें किसी तरह की डस्टिंग आएगी, ना इसमें किसी तरह का साउंड आएगी। ये सिक्योरिटी पर्पज से भी होता है, इसमें सिक्योरिटी ग्लास देते हैं, अगर कोई इसको तोड़ के अंदर आना चाहे कितनी भी कोशिश कर ले कभी इसके अंदर नहीं आ सकता, तो एक लेवल की आपको सिक्योरिटी दी जाती है। अच्छा, दूसरा कंसेप्ट ये है कि ये हमारा उसका एल्युमिनियम का ही डोर आता है जिसमें हम प्लेटेड मैच देते हैं, इसके लिए आपको कोई अलग से पल्ला नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, आपने अपना गेट खोला, प्लेटेड मैच लगाई, आपको मॉस्किटोज वगैरह कुछ ना है, आपको एक अच्छी चीज प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें भी कंप्लीट यही होता है कि हमने इसको जब हम स्विच करते हैं तो कम्प्लीट सील्ड हो जाता है, जिससे कभी भी डस्ट पार्टिकल का आना या साउंड का आना वो पॉसिबल नहीं है, कम्प्लीट सील्ड हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा यूपीवीसी में स्लाइडर। ये हमारे स्लाइडर जो नॉर्मली वर्किंग करते हैं, जस्ट लाइक आप ओपन विंडोज भी ले सकते हैं, आप नॉर्मल स्लाइडर भी ले सकते हैं, आप फुल स्लाइडर भी, हाफ स्लाइडर भी, हर चीज का रिक्वायरमेंट जो भी होगी आपके हम उसमें आपको दे सकते हैं। ये भी हमारा कम्प्लीट। अच्छा, साउंड प्रूफ। अर्जुन, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आपका क्या ये सब मार्केट अभी मुजफ्फरनगर जैसे शहर में डेवलप हो रहा है या हो चुका है? मुजफ्फरनगर में मार्केट डेवलप हो रहा है, जो लोग नई चीज़ें देखते हैं, जो लोग गोडन की तरफ जाते हैं, पैसा खर्च दोनों में होता है, पर जो चीज़ है कि एक क्वालिटी आती है कि हमारा प्रोडक्ट कभी भी साउंड प्रूफ नहीं हो सकता, गोडन में कभी भी साउंड इंसुलेशन आपके घर में नहीं आ सकती, डस्ट को आप कभी नहीं रोक सकते, तो वो चीज आपको अगर उसी रेट में, उससे सस्ते रेट में भी अगर आपको मिल जाती है तो उसमें आई थिंक ये कोई प्राइस नहीं है। तो ये जो आपने विंडो दिखाई है ये किस प्राइस रेंज में है? सर इसकी प्राइस रेंज सर डिपेंड ऐसे कुछ नहीं होता, ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपके साइजेस क्या है, मॉड्यूल क्या लेते हो, आप कितने मीटर का ग्लास लेते हो स्पेसिफिक। अच्छा ठीक है, स्टैंडर्ड कुछ नहीं है? स्टैंडर्ड कुछ नहीं है, ठीक है, आपकी स्पेसिफिकेशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद जस्ट लाइक हमारी नॉर्मल विंडो आती है, ये लॉकिंग सिस्टम के साथ होती है, लॉक ओपन किया, बार ओपन किया, उसके बाद हमने मैश लगा दिया, तो ये कंसेप्ट भी आज की डेट में नया आ रहा है। इसमें भी आपका कोई डस्ट नहीं आनी, कोई कुछ नहीं आना, एक प्रॉपर अच्छा सा लुक मेंटेन करके रखता है। कितनी अवेयरनेस अभी मुजफ्फरनगर में इन प्रोडक्ट्स के बारे में है? सर इन प्रोडक्ट्स को लेके मुजफ्फरनगर में अवेयरनेस काफ़ी हो चुकी है, मैं काफ़ी साइट्स यहाँ पे कर चुका हूँ, लोगों को बता चुका हूँ, यहाँ पर लोगों को पता है, पर लोगों की डिमांड थी इसलिए सब लोग यहाँ से बाहर जाते थे कि बाहर की सिटीज में ये चीज़ अवेलेबल होगी, इसलिए मेरा कंसेप्ट ये था कि पब्लिक डिमांड भी है, पब्लिक प्रोडक्ट को जानती भी है, पब्लिक लगवाना भी चाहती है, पर वो अवेलेबल अपने शहर में नहीं था, नहीं तो मेरा एम यही था कि मैं ये चीज़ें मार्केट में अपने पब्लिक को दे सकता हूँ। अच्छा, ये आपका नया शोरूम है, पुराना वाला शोरूम अभी दो घर छोड़कर है बराबर। अच्छा, तो उस पर अभी मतलब आपके फादर उसको बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए इस तरीके से अपने फैमिली बिजनेस को अर्जुन आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए आगे बताएंगे हमें कुछ और प्रोडक्ट्स के बारे में। ये सर हमारा यूपीवीसी में ही आता है, इसमें हमारे पास कलर ऑप्शन काफी है, अभी हमने व्हाइट प्रोफाइल की बात करी, अभी हम वुडन फिनिश में आ गए, इसमें फिनिश कोई भी ले सकते हैं, इसकी विंडो आती है कि एक तो नॉर्मल वर्किंग ले सकते हो, नॉर्मल वर्किंग के बाद अगर आपको हाफ वेंटिलेशन करना है तो आप इसको ट्रेड में भी ले सकते हो। अच्छा, दोनों वर्किंग करती है हमारी विंडो। देखिए दोस्तों एक बार मैं आपको इसको करीब से दिखाता हूँ, ये इस तरीके से टिल्ट में भी आ जाता है, टिल्ट हो जाती है, नॉर्मल भी हो जाती है। देखिए जो हम यूपीपीसी के किसी भी मटेरियल में किसी भी कलर में ले सकते हैं, जो भी आप प्रोफाइल पसंद करना चाहे अपने इंटीरियर के अकॉर्डिंग, व्हाइट प्रोफाइल, वुडन प्रोफाइल, हम उसमें भी जा सकते हैं। एक ये आती है हमारी बिना विंडो, जिसमें हमारी जाली सबसे प्योर फाइन होती है, SS की जाली इसमें दी जाती है, अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको फील नहीं होगा कि यहाँ पर जाली है कोई। दूसरा इस प्रोडक्ट की खास बात यह है कि आप इसको जहाँ पर भी आप रोकना चाहें आप वहाँ पर रोक सकते हैं, किसी भी एंगल पे, किसी भी डिग्री पर, इसका कोई ऐसा नहीं है कि ये 40 डिग्री पे खुलेगा, 80 पे खुलेगा। इसमें हमने जॉर्जियन बार दी है, जॉर्जियन बार का लुक ये है कि आपका एक तो ग्रिल वाला लुक आता है, उसकी आपको जरूरत नहीं है, पर फिर भी इन्होंने स्पेस दिया है, आप ग्रिल भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, पर जो लेटेस्ट कंसेप्ट है वो अलाउ नहीं कर पा रहे। और सेफ्टी के बारे में बताओ थोड़ा सा। हो सकता है कि अगर आप इसको एक्सटीरियर पे ले रहे हो तो इसमें सिक्योरिटी ग्लास आता है, हम सिक्योरिटी ग्लास प्रोवाइड करवा सकते हैं,
सिक्योरिटी क्लास इज मच बेटर देन एनी अदर क्लास, उसमें सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है, उसको कोई ब्रेक इजीली नहीं कर सकता। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट्स जो हैं आपके जो डोर्स हैं इनके बारे में बताओ अर्जुन। ये सर ओलिफिन के डोर्स हैं जो हमारी इंडिया की जानी मानी कंपनी है स्पेस फूड, उन्होंने कोलैबोरेशन करा है जापान की कंपनी है सुमिटोमो फॉरेस्ट्री, जो पिछले 50 साल से सिर्फ डोर्स और अपनी विंडोज ही बनाते हैं। इसके ऊपर सर ओलिफिन की लेयर करी गई है जिसमें हमें ना तो कोई स्क्रैच आएगा, ना इसको आपको कभी भी वीनियर कराना, ना इस पर कभी पॉलिश की रिक्वायरमेंट, ना इस पर कभी पानी का कोई इम्पैक्ट, ना इस पर कभी डीवक का कोई इम्पैक्ट। इवन गर्मी सर्दी में पल्ला फैलता सिकुड़ता भी है, वो प्रॉपरली आपका वर्किंग नहीं करता, वो बंद खुद होता नहीं है, तो उसको भी देखते हुए हम ये करते हैं कि इसमें जो ओलिफिन की इन्होंने लेयर दी है, टेक्नोलॉजी यूज करी है, वो ये करिए कि इसको 72 घंटे तक हमने बॉइलिंग वाटर में टेस्टिंग करके बनाया है, तो कभी भी पल्ले पर कोई इम्पैक्ट नहीं आया, तो इसका जीरो मेंटेनेंस हो जाती है एटलास्ट, जो वुडन कभी भी नहीं दे सकता, नॉर्मल विंडोज या आपके डोर्स हैं वो नहीं दे सकते। ये लगभग कितनी प्राइस रेंज में पड़े? प्राइस रेंज इसकी अप्रॉक्स वही पड़ती है 30-35-40,000 की रेंज में, फिर चौकट। अच्छा, मतलब सिंगल जो डोर पड़ती है, सिंगल डोर ठीक है, इसे दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों कितने सारे ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं, मल्टी कलर्स, मल्टी पैटर्न्स, बहुत ही अच्छे से अपने बिजनेस को इन्होंने मेंटेन किया है। और शोरूम को मैंने आज विजिट किया, आप लोगों को दिखाया, देखिए हर तरह के प्रोडक्ट्स इनके पास हैं, हर तरह के ब्रांड्स इनके पास हैं अपने सेगमेंट में। और अगर आपको भी एक अच्छा सा सुंदर सा घर आपको बनाना है तो इनसे कांटेक्ट जरूर करें। बिल्कुल सर, ये हमारा वर्ल्ड का सेकंड नंबर का मार्किंग का हमारा प्रोडक्ट है डेल्टा। अच्छा, ये देखिए वर्ल्ड की नंबर सेकंड पर रैंक करता है। हाँ। अगर कोई सुपीरियर लग्जरी बाथरूम बनाना चाहता है, टेक्नोलॉजी इसकी बात करता है, तो हम उसको डेल्टा प्रीफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेट क्वालिटी की ही होती है, यहाँ जो भी बात करेंगे क्वालिटी के ऊपर करेंगे। हर कोई डिजाइन तो हर ब्रांड देती है, कोई भी आप ब्रांड लो, हर ब्रांड आपको डिफरेंट से डिफरेंट डिजाइन आपको प्रोवाइड कराएगी, पर जहाँ क्वालिटी की बात आती है वो आपको डेल्टा देता है। इवन इसकी 22 टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में पेटेंट हो चुकी है। अच्छा, तो ये सबसे सुपर लग्जरी प्रोडक्ट्स में हमारा आता है, जिसकी बेसिक रेंज में हमारा नॉर्मल बाथरूम नियर अबाउट 22,000 से एमआरपी से शुरुआत हो जाता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी रैंकिंग का प्रोडक्ट है, इतने अच्छी क्वालिटीज लेके बैठा है तो इसके रेट्स बहुत हाई होंगे, वो चीज नहीं है। हर तरह का बाथरूम इसमें अवेलेबल है, नॉर्मल क्लाइंट भी इसको ले सकता है, सुपर लग्जरी वाला भी इसको ले सकता है, इतनी इनके पास रेंजेस अवेलेबल है। कभी भी इस टाइप में कोई लीकेज नहीं आना, कभी भी ये कैल्शियम से ब्लॉक नहीं होना, कभी भी कोई इसमें कोई भी चीज कोई भी दिक्कत नहीं आती है। बाकी 100% लेड फ्री प्रोडक्ट भी इन्होंने बनाया है, क्योंकि अमेरिका के 3 प्रोडक्ट्स हैं जो वर्ल्ड के नंबर 1 रैंकिंग पर है, वो ब्रिजो, नंबर 2 पर हमारा डेल्टा, नंबर 3 पर आता है हमारा हंस ग्रोए। हंस ग्रोए भी धीरे धीरे मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि मुजफ्फरनगर में लेकर आऊँ। अच्छा, इसमें मेन चीज ये है कि हमारा हर आप जो भी टैप बनाओगे उसकी बॉडी बनाने में आपका लेड लगता ही लगता है, चाहे वो 0.3% लगे 0.7 लगे। कोई भी बॉडी ऐसी नहीं है या कोई भी ब्रांड नहीं है जो लेड यूज नहीं करती। एज आप जानते हैं कि यूएस में लेड बहुत ज्यादा बैन है, गवर्नमेंट बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती, तो जैसे इसमें हमने बॉडी में लेड डाला है, गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है कि आप इसमें पीवीसी पाइप यूज कीजिए, आपका वाटर इससे जाएगा ना कि आपकी बॉडी को टच करेगा, जो कि 100% जो ये वाटर होगा, टैप जो है इसकी अंदर बॉडी को बिल्कुल भी कहीं से कांटेक्ट नहीं, पानी का कांटेक्ट नहीं होगा, तो 100% लेड फ्री प्रोडक्ट है आपका। दोस्तों अब मैं इनके शोरूम के दूसरे हिस्से में आ गया हूँ। इनके पास जगुआर की लाइटिंग्स हैं, टाइल्स हैं हर तरह की, देखिए हर साइज की टाइल्स अवेलेबल है 12-18 से लेकर। बताओ अर्जुन थोड़ा इसके बारे में भी मुझे बताओ। टाइल्स भी सर अपने पास हर रेंज में अवेलेबल है, हम 12-18 नॉर्मल साइज से लेकर आज की डेट में बड़े बड़े साइज की तरफ लोग चलते हैं। हाँ। जस्ट लाइक हमारी स्लैब के लिए अब टाइल ही बना दी गई है जिस पे गरम ठंडा। अच्छा, जैसे ये तो कोई इंपैक्ट ही नहीं आता, अब ये ग्रेनाइट का पूरा ही रिप्लेस कर दिया। हाँ जी, क्योंकि ग्रेनाइट का गरम बर्तन रखोगे तो क्रैक आता है। उसके बाद बड़ी बड़ी टाइल्स का कंसेप्ट है, 6-4 का कंसेप्ट है, 8-4 का कंसेप्ट है, तो बड़ी बड़ी टाइल्स इस टाइम हम लेकर आ रहे हैं, पूरी पूरी 8-4 की शीट है ये। तो इनका तो बिजनेस मुजफ्फरनगर में वेल डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड है, क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा उतना अच्छा टाइल्स का लुक आता है, उतना अच्छा लॉबी में एक लुक निकल कर आता है, जो आज की डेट में देखिए दोस्तों कितनी सुंदर सुंदर टाइल्स इनके पास अवेलेबल हैं।
अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आपको बिल्कुल एक बार विजिट करना चाहिए। देखिए सारी सीनरीज अवेलेबल है, हाइलाइटर्स आप मेन एंट्रेंस पर कहीं पर भी आप डाल सकते हैं इसको। कितनी अच्छी पेंटिंग फॉर्म में सीनरीज अवेलेबल हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मुझे भी एक नई चीज दिखाई दी। ये एसएस का वाटर टैंक है जो प्योर एवर कंपनी बनाती है। अच्छा, ये 316 एल ग्रेड का टैंक है जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का ग्रेड होता है। ना इस पर किसी भी तरह का बैक्टीरिया आता है, ना कोई इस पे रस्ट आएगा, ना कुछ आएगा। इस पे बाहर की तरफ एक टैंक होता है, इसके अंदर टैंक होता है, जिसके बीच में 6 इंच की फॉर्म इंसुलेशन होती है ताकि आपका टेम्परेचर लूज ना हो। तो इसमें बेनिफिट ये होता है कि एक तो इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं आएगा, दूसरा आप जिस टेम्परेचर पे इसमें पानी फिल करोगे उसी टेम्परेचर पे आपको पानी मिलेगा। गर्मी में गर्म हो रहा है, सर्दी में ठंडा हो रहा है, वो चीज़ें नहीं हो। और इसकी प्राइस रेंज अगर मैं बात प्राइस रेंज सर, इसमें थोड़ा ये मार्केट से थोड़ा कॉस्टली जाता है, नियर अबाउट 1000 लीटर में है ये, अप्रॉक्स इसकी कॉस्टिंग 65,000 जाता है। तो ये मेरे ख्याल से अभी इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पज़ भी है, और घर में जिसको पता है कि इसका बेसिक यूज़ क्या है, हेल्थ बेनिफिट्स कितने हैं, तो हर कोई लेता है इसको थोड़ा। लेकिन मुझे लगता है मिडिल क्लास फैमिली अब इतना अफोर्ड नहीं कर पाती। हाँ, बट प्रोडक्ट बहुत अच्छा है ये। एक ही हमारी वैनिटी आती है जो पीवीसी पैनल्स के साथ आती है, जिसमें आपका हमारा सारा बेसिन भी इसमें कवर्ड है, आपके मिरर अवर है, इसमें आपके साथ सारी बेसिन्स हैं। बेसिन के साथ साथ हमारी कवर्ड्स आती हैं जिसमें आप अपना कोई भी डेली वर्किंग का कोई भी मटेरियल रख सकते हैं। नॉर्मली आप इसमें रख सकते हैं। ड्रॉअर्स आपको दी जाती है जिसमें आप फुल आप यूज कर सकते हैं इसको। आपका रिक्वायरमेंट तो पूरा पीवीसी में है, पूरा पीवीसी में आता है सर ये। ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है दोस्तों इनका। इसमें आप अपना कोई भी आपका लाइजॉल वगैरह है, आपका कुछ भी यूटेंसिल्स है, आप वो भी रख सकते हैं। आपको अपने टॉवल्स वगैरह रखना है वो भी रख सकते हैं। काफी कवर्ड है, अलग अलग कलर्स में। ये हमारी सॉलिड वुड की है, सॉलिड वुड मार्केट में बहुत महंगी मानी जाती है ये। बेसिकली ना इसमें कोई डीमक का असर कुछ नहीं होता, कभी पानी से ख़राब नहीं होती, कभी ये लकड़ी फूलती नहीं है। सॉलिड वुड अपने आप में एक बेसिक बहुत अच्छी वुड कहलाती है ये। उसमें बनाई हुई वैनिटी है अपनी।